हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? बढ़िया, मस्त रहिए और एंटरटेनमेंट का मज़ा लेते रहिए। कहते हैं टीआरपी आती है तो दिल धक धक करता है। जो दिल से शो देखते हैं और उन्हें लगता है हमारा शो टीआरपी में वो कमाल नहीं कर पा रहा है, इसीलिए उनका दिल धक धक करता है कि भाई इस बार मेरे शो की टीआरपी अच्छी आ जाए। सिर्फ आपका दिल धक धक करता है, प्रोड्यूसर का तो दिल और दिमाग दोनों ही जो है कंट्रोल से बाहर रहते हैं। उनका तो जो है पूरा पैसा, पूरा टाइम, पूरी मेहनत लगी हुई होती है। अब डिपेंड करता है कि पब्लिक को किसकी कहानी शो की ज़्यादा पसंद आती है। तो चलिए बताते हैं इस हफ्ते वो टॉप 10 शो कौन से हैं जिन्होंने बनाई है अपनी जगह। तो सबसे पहले नंबर 10 की पोजीशन पे है टीआरपी वीक में आपके जो हैं शिव शक्ति तप त्यागो तांडव, वो भी कलर का। ऐसे में जो है कलर के मैथोलॉजी शो ने इतना धमाल मचाया हुआ है कलर पर, या फिर कहें 2023 में सबसे नंबर 1 की पोजीशन ली है पॉपुलैरिटी में। ऐसे में अब जो है कलर को लग रहा है कि मुझे एक मैथोलॉजी शो और लाना चाहिए, इसीलिए कल ही जो है इन्हीं के प्रोडक्शन ने, शिव शक्ति के ही प्रोड्यूसर ने एक नया शो का प्रोमो दे दिया है, लक्ष्मी नारायण। अब देखते हैं लक्ष्मी नारायण को क्या टाइमिंग मिलती है। फिलहाल प्रोमो सामने आ गया है। नंबर 9 की पोजीशन पे है आपका परिणीति। परिणीति की इस हफ्ते टीआरपी डाउन बता रहा है। जब भी गूगल में टॉप 10 में परिणीति डाला जाता है तो डेफिनेटली टीआरपी डाउन ही निकल कर आता है। बाकी अगर आप परिणीति पसंद कर रहे हैं तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि कहानी के अकॉर्डिंग टीआरपी कैसी आएगी। फिर आता है नंबर 8 की पोजीशन पे भाग्य लक्ष्मी। भाई ऋषि और लक्ष्मी का जो है फेस ऑफ हो गया हो तो कहानी आगे बढ़ेगी, नहीं तो वही बच्चे टकरा रहे हैं, रोड पे टकरा रहे हैं, मॉल में टकरा रहे हैं, शादी में टकरा रहे हैं। अब देखते हैं नंबर 7 की पोजीशन पे है श्रीमद् रामायण। सोनी का डेली शो का मोस्ट पॉपुलर शो बना हुआ है आपका श्रीमद् रामायण। अब देखना है कि हनुमान की एंट्री होने से टीआरपी में इम्प्रूवमेंट होता है या फिर सेम 0.7 पे रह जाता है। फिर आता है नंबर 6 की पोजीशन पे तेरी मेरी डोरिया। तेरी मेरी डोरिया की टीआरपी थोड़ा सा आपको बीआरसी में डाउन दिख सकती है, क्योंकि जो है इसकी गूगल पर पोजीशन डाउन हुई है, जहाँ पे लीव के बाद कहानी को खींचा गया है, बच्चों को इंट्रोड्यूस कराने के लिए पार्टी, ये सब ट्रैक, उधर जो है साहिब अपनी एक अलग लाइफ, ये सब कंफ्यूजन में थोड़ा ज़्यादा कर दिया है। नंबर 5 की पोजीशन पे है ये रिश्ता क्या कहलाता है। भाई ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए फैंस के लिए गुड न्यूज़ है, इसकी टीआरपी बढ़कर आने वाली है। फिर चाहे 2.2 आ जाए या 2.1 ही रुक जाए, लेकिन फ़िलहाल इसकी टीआरपी अच्छी बता रहा है। फिर आता है नंबर 4 की पोजीशन पे आपका प्यारा कुंडली भाग्य। कुंडली भाग्य ने बीट कर दिया है आपको ये रिश्ता पे गूगल के अकॉर्डिंग। ऐसे में उम्मीद है कि टीआरपी कुंडली की 1.5-1.6 पर जा सकती है। फिर आते हैं नंबर 3 की पोजीशन पे गुम है किसी के प्यार में। भाई रीवा जैसी दिखती है, क्या सच में रीवा ऐसी है, इतनी अच्छी है, या फिर कोई बड़ा षड्यंत्र रच रही है। और नंबर 2 की पोजीशन पे है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जहाँ पे होली सेलिब्रेशन काफ़ी अच्छा दिखाया गया है। गोकुल धाम की होली तो सबसे बेस्ट लगती ही है, इसीलिए इस होली की टीआरपी तो नेक्स्ट वीक आएगी, उससे पहले तैयारी होली की टीआरपी आपको दिखा जाएगी। फिर आते हैं नंबर 1 की पोजीशन पे आपका प्यारा अनुपमा, जो कि अब तोशु तो जेल में जाएगा, लेकिन जब वो जेल से बाहर आ जाएगा अनुपमा की ज़िंदगी दर से बदतर बनाने की पूरी कोशिश करेगा, जैसे अनुज ने पूरी कोशिश वो सॉरी वनराज ने पूरी कोशिश करी थी। शायद ऐसा ही कोई ड्रामा रचता रहेगा उसके खिलाफ। अब देखना है कि बाप बेटे मिलकर क्या अनुज और अनुपमा की ज़िंदगी बर्बाद करेंगे, या फिर वो दोनों ही जो है आगे निकल जाएंगे। तो जो है ये हैं आपके टॉप 10 शो गूगल के अकॉर्डिंग। अगर बीआरसी टीआरपी की बात करें तो बीआरसी टीआरपी आपकी आएगी 1 अप्रैल को, यानी कि मंडे को आएगी, तभी जो है पता चलेगा कौन सा शो कमाल कर रहा है, कौन से शो की लुटिया डूब गई है।
तो इनमें से आपका फेवरेट शो कौन सा है या कौन से शो की टीआरपी आपको लगता है पक्का बढ़ेगी, कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी जानकारी के लिए लाइक सब्सक्राइब दोनों बनता है।